नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। वेलकम टू एमएस क्लासेस प्रेजेंट्स लॉकडाउन क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेक्चर 5 ऑफ केमिस्ट्री। द टॉपिक इज सॉल्यूशंस। अभी तक हमने सॉल्यूशंस में काफी सारा कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारी एक भी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल कीजिए और जेई मेन्स, सीबीएसई बोर्ड्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। ठीक, जैसे ही लॉकडाउन ओवर होएगा आपके एग्जाम्स होंगे एंड उसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना है सो एज टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। ठीक है, सो नॉट टू मेंशन यह सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है एंड आप ऑलरेडी सीरियस है अपनी पढ़ाई के लिए। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी हम दूसरे सब्जेक्ट्स के भी टॉप करते हैं, फिजिक्स के और मैथ्स के, वो भी आपको मिल सके, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर टेक आउट ए बुक्स एंड नोटबुक एंड स्टार्ट टेकिंग नोट्स। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन के बिना कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं बनता केमिस्ट्री का। ठीक है, सीबीएसई में ये आप इन चार प्रॉपर्टीज में से एक में क्वेश्चन जरूर आप एक्सपेक्ट कीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के साथ। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो जैसा कि अपन ने पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, किसी भी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर रहता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड, ठीक है, इन द सॉल्यूशन एंड पी वन नॉट इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर इन द प्योरेस्ट कंडीशन। ठीक है, प्योरेस्ट स्टेट में जो भी इसका वेपर प्रेशर रहेगा दैट इज पी वन नॉट। ठीक है, अच्छा, दिस पी वन नॉट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे पास एक रूम टेम्परेचर पर वॉटर पड़ा, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर वॉटर पड़ा है, ये पिस्टन से हमने रोका हुआ है, तो रूम टेम्परेचर पे जो वाटर जितना इवेपोरेट होगा, जितना यहां पे प्रेशर बिल्डअप बनाएगा, ठीक है, ये एक कंडीशन है, उसको हम बोलेंगे पी वन। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वाटर जितना इवेपोरेट होगा और यहां पर अपना प्रेशर, वेपर प्रेशर बनाएगा, उसको हम बोलेंगे पी वन। वो ही हम रूम टेम्परेचर से 50 डिग्रीज और ऊपर चले जाते हैं तो अब की बार जितना भी यहां पर प्रेशर बनेगा, ठीक है, यहां पर मोल फ्रैक्शन तो हमने चेंज नहीं किया, प्योर वाटर है, प्योर वाटर यहां पे भी है, प्योर वाटर यहां पे भी, मोल फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं है, एब्सोल्यूट है, इसलिए हम इसको पी वन नॉट ही बोलेंगे। तो अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो यहां पर क्या होगा, पी वन नॉट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पी वन नॉट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही पी वन नॉट भी बढ़ेगा। अब पॉइंट क्या है कि जैसे ही हमने एक सॉल्यूट वोलाटाइल सॉल्वेंट में डाला, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वोलाटाइल लिक्विड में डाला, तो उससे उसका वेपर प्रेशर हो गया कम। ठीक है, अभी हमने जो प्रॉपर्टी वन पढ़ी थी, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सॉल्यूट के डालने से सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट पर कैसे फर्क पड़ता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेक्शन। ठीक है, कि एक सॉल्वेंट है उसमें हमने, जैसे मान लीजिए पानी है, उसमें हमने नमक डाल दिया तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्यों चेंज हो गई, ठीक है, एलिवेट हो गई इन द, अगर हम अच्छे से बहुत बात करें तो। अगर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्रीज है तो उसमें सॉल्ट डाल देने से उसकी बॉइलिंग पॉइंट 105 हो जाएगी, 106 हो जाएगी, ऐसे कुछ हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपन समझते हैं क्यों ऐसा होएगा। ठीक है, तो आप समझिए, कभी भी हम पानी को, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इसको हम बॉइल करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम इसको हीट कर रहे हैं, ये हीट का सिंबल होता है, अगर आप हीट नहीं लिखना चाहते हैं डायरेक्टली एक ऐसा ट्रायंगल बना देंगे तो इसका मतलब है कि हीट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू दिस सिस्टम। ठीक है, तो क्या होएगा, पहले मान लीजिए हीट नहीं दे रहे, एक एक वेसल है उसमें हमने एक लिक्विड ए लिया हुआ है, ठीक है, तो इवेपोरेशन, क्योंकि लिक्विड वोलाटाइल है तो थोड़ा बहुत तो इवेपोरेशन हो रहा है। अगर ये क्लोज्ड सिस्टम होता तो कितना बिल्डअप होता, जितना इसका पी वन नॉट होता, वेपर प्रेशर, जहां पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होने तक यहां पर पी वन प्रेशर बन जाता। ठीक है, हम बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, अगर ये ओपन वेसल है तो हम बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द
एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर ये सिस्टम एज सच ही पड़ा रहता तो एक P1 टेम्परेचर रीच, P1 प्रेशर रीच होने के बाद इवेपोरेशन स्टॉप हो जाती, वोलेटिलिटी स्टॉप हो जाती, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता, क्योंकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हीट प्रोवाइड करने से P1 नॉट बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि P1 नॉट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो P1 नॉट बढ़ रहा है। अगर ये P1 नॉट बढ़ते बढ़ते एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है ATM, उसको 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये हीट देने से जो P1 नॉट है, P1 नॉट अगर बढ़ते बढ़ते एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब इसको अगर हम फिजिकली लेमैन लैंग्वेज में समझें तो यहां पर जो गैस का मॉलिक्यूल है, जो लिक्विड इवेपोरेट हुआ और गैसियस स्टेट में आ गया, अभी गैसियस स्टेट जो प्रेशर ले रहा है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेयर। अब वो सिर्फ एटमोस्फेयर के इन्फ्लुएंस में है, इट इज नाउ द पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर। ठीक है, इट्स नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, नाउ इट्स इंडिपेंडेंट टू मूव हेयर हेयर एंड हेयर एवरीवेयर। ठीक है, तो अगर वेपर प्रेशर P1 नॉट बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, देन दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो कुल मिला के स्टोरी बैक कहां पर आ गई, वेपर प्रेशर के ऊपर। एटमोस्फेरिक प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, अर्थ का एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 bar का कॉन्स्टेंट है। ठीक है, लेकिन जो वेपर प्रेशर है वो तो चेंज हो सकता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने पढ़ा कि जैसे ही अगर हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल देंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम हो जाने के कारण अब जो हीट लगनी थी वो और ज्यादा लगेगी। ठीक है, हीट और ज्यादा लगना मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। ठीक है, उस चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को, रादर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है तो उसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, को हम डिफाइन करेंगे डेल्टा टी से। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू TB, boiling point of the solution in the pure form, not का मतलब pure form, minus boiling point of the solution, ठीक है, temperature of the boiling point of the pure solvent, minus temperature of the boiling point of the solution, ठीक है, ये रहेगा elevation in boiling point का most basic equation, ठीक है, यहां तक clear? अच्छा, ये graph बहुत ही ज्यादा important है, ये आपको read करते आना चाहिए, अभी जितनी स्टोरी हमने बताई उसके हिसाब से आपको ये रीड करते आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हमने y एक्सिस में वेपर प्रेशर प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, वेपर प्रेशर, और यहां पर है टेम्परेचर, हम 1 by 1 करके देखेंगे। ठीक है, ये टेम्परेचर यहां से बढ़ रहा है, यहां से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, हम सिर्फ सॉल्वेंट को अभी देखेंगे, अभी हम सॉल्यूशन को भूल जाएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट को। तो मान लीजिए किसी टेम्परेचर T1 पर इसका P1 नॉट इतना था। ठीक है, इतना P1 नॉट था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्वेंट का एटमोस्फेरिक प्रेशर पर आ जाएगा। तो जैसे ही ये प्रेशर, वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते जिस टेम्परेचर पर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में भी मान लीजिए किसी टेम्परेचर पर उसका प्रेशर इतना है। ठीक है, जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो बढ़ेगा, उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर के बढ़ाने पर, और जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वैल्यू सारी एक्सपेरिमेंट से आती है, ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, किसी ने ग्राफ प्लॉट किया होगा, ऐसे बना के ये ऑब्जर्वेशन ली होगी। ठीक है, तो जो भी ये डिफरेंस है ये प्योर फॉर्म का है, ये सॉल्यूशन फॉर्म का है, जो भी ये डिफरेंस है दिस इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमको एक रिलेशन याद करनी है, द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज मोलैलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट मोलैलिटी नॉट मोलैरिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या होती थी, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या अमाउंट बोलो या वेट बोलो, ठीक है, वेट भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
ठीक है, तो डेल्टा टी भी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे हम तो एक आ जाएगा कांस्टेंट के बी। ठीक है, के एच हमने पढ़ा था, दैट वाज द हेनरीज कांस्टेंट। यहां पर जो के बी कांस्टेंट है इसका नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसके तीन नाम है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों ही आपको याद करने हैं। के बी इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे आप इसको रीड करेंगे वैसे ही आप वहां पे लिख के आएंगे एब्यूलियो। ठीक है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड द लास्ट इज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इतनी सी इक्वेशन से ये के बी आपको नोन होता है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू। ये डब्ल्यू टू अपॉन एम टू कहां से आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मोलालिटी का फॉर्मूला हमने लगाया एन इक्वल्स टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट टाइम्स 1000 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये जो मान लिखा था वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ये ग्राम्स में होएगा तो इसको कन्वर्ट करने के लिए केजी के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट हम एक इसका क्वेश्चन करेंगे इंडेक्स। सो हम ये क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil? At 1.013 bar. Kb for water is 0.52 Kelvin kilogram per mole. ठीक है, तो हमको क्या पूछा है कि हमको बताया गया है कि 1 kg water में 18 grams of glucose mix करी गई है। ठीक है, उन्होंने हमको पूछा है कि वॉट वुड बी द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर। ठीक है, थोड़ी सी ग्लूकोज पानी में मिला दी है तो अब हमको पूछ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज, तो उसको डब्ल्यू टू लिखेंगे। डब्ल्यू टू कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम्स। उसका मोलर मास निकालेंगे 12 टाइम्स 6 प्लस 12 टाइम्स 1 प्लस 16 टाइम्स 6। कार्बन कितना होता है, ठीक है, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स 6 प्लस 12 टाइम्स 1 प्लस 16 टाइम्स 6। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम्स। फिर हमारे पास सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, वाटर। वाटर का वेट W1 दिया हुआ है 1 kg। ठीक है, एंड जो हमारे को मोलर मास ऑफ वाटर है वो हमको पता है 18, 2 प्लस 16। सो और हमको के बी की वैल्यू दी हुई है, के बी क्या होता है, एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे नाम है। फिर हमको ये पता है कि टी बी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन प्योरेस्ट फॉर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, या तो फिर 373.15। अब एक्चुअली हम लोग 100 डिग्री याद रखते हैं या 373 डिग्री याद रखते हैं, 373 केल्विन, सॉरी केल्विन में डिग्री नहीं कहते। ठीक है, ये जो 0.15 है, ये जो प्रिसाइसनेस है, इसकी प्रिसाइसनेस के लिए ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन पेपर में दी हुई होंगी। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स वहां पे प्रोवाइडेड होते हैं, दे वांट कि आप ये कैलकुलेशन करके दिखा सके। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम अगर किसके सॉल्यूट के अगर निकालें तो N2 होएगा 18 अपॉन 180 इक्वल टू 0.1 मोल्स। ठीक है, हमको निकालना है डेल्टा टी बी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा के बी टाइम्स डब्ल्यू टू अपॉन एम टू टाइम्स 1000 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट रहेगा, तो हमने यहां पर लिया है 0.52 टाइम्स 18 अपॉन 180 टाइम्स 1000 अपॉन 1000। अगर मान लीजिए मैं यहां पे 1 लिखता, वैसे मेरे पास वेट कितना दिया हुआ है 1 केजी लिखता, अगर 1 केजी लिखता तो ये 1000 नहीं लिखता। ये 1000 लगाया ही फॉर्मूले में इसलिए है ताकि आप वेट नीचे ग्राम्स में लिख सको। ठीक है, अगर आप नीचे वेट केजी में लिख रहे हैं तो फिर ये 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंस याद रखनी है कि ये 1000 लगा क्यों है। अगर आप यहाँ पे 1 केजी लिखने वाले थे तो ये 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर 1000 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको फिर 1000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वेट आपको ग्राम्स में डालना होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 1000 कैंसिल, 18 है नीचे 180 है, 10 नीचे बचेगा, एक डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा 0.052। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर में जो चेंज है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया है। ठीक है, देयर इज एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट डालने से।
यह है 0.052 केल्विन। ठीक है, अब जो ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इक्वल्स टू 0.052। हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ 373.15 केल्विन, इसको हम यूज करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 373.202 केल्विन। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी द एलिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सो नेक्स्ट इज थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि हमने बॉइलिंग पॉइंट में देखा था कि एक सॉल्वेंट को हीट करेंगे या एक सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो जब उसका वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, एक लिक्विड है, ठीक है, उसका हम किसी टेम्परेचर पर है टी पर, उस टी टेम्परेचर पर जो उसका वेपर प्रेशर है वो है पी एल नॉट, नॉट सिग्निफाइज प्योर फॉर्म। ठीक है, एक ये प्योर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर है पी एल नॉट। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, हीट एक्सट्रैक्ट करना या तो टेम्परेचर लोअर करना, एक ही बात हो गई। अगर हम इसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, लिक्विड अपने सॉलिड स्टेट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो उसका वेपर प्रेशर है क्या होएगा, रिड्यूस होने लग जाएगा। ठीक है, और ये इसका जो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाएगा, तो उसका जो वेपर प्रेशर है, हमको पता है कि लिक्विड स्टेट में ज्यादा वोलाटाइल होएगा, सॉलिड स्टेट में कम वोलाटाइल होएगा। तो सॉलिड स्टेट में जैसे जैसे जाता जाएगा इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, जिस भी टेम्परेचर पर इसका लिक्विड स्टेट का जो भी वेपर प्रेशर है उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि एक टेम्परेचर के बाद अचानक से वो सॉलिड हो जाएगा लिक्विड, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, इसमें से हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एट द सेम टाइम लिक्विड भी होगा सॉलिड भी होगा। जैसे कि हम पानी को जब जमाते हैं, ठीक है, पानी को फ्रीजर में रखते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक क्षण पहले वो सारा लिक्विड था और दूसरे ही क्षण पूरा सॉलिड बन गया, आइस बन गया, ऐसा नहीं होता। एक पहले शुरुआत में क्या होता है, पानी ठंडा होने लगता है, ठंडा होते होते थोड़ी थोड़े उसमें आइस के पैचेस नजर आते हैं। ठीक है, तो अब हम उसको कंसिडर करते हैं कि लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर है और सॉलिड का कुछ वेपर प्रेशर है, कुछ वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड है, कुछ वेपर प्रेशर ड्यू टू आइस है। ठीक है, लिक्विड है, सॉलिड है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होएगा, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन घटेगा और सॉलिड का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हम टेम्परेचर रेगुलरली कंसिस्टेंटली कम करते जा रहे, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑब्वियसली हाई होगा क्योंकि ज्यादा वोलाटाइल है, सॉलिड कम वोलाटाइल होते हैं, लेकिन मोल फ्रैक्शन लिक्विड के कम होते जा रहे हैं और सॉलिड के बढ़ते जा रहे हैं। तो इवेंचुअली जैसे जैसे हम टेम्परेचर फर्दर डाउन करते जाएंगे, मोल फ्रैक्शन लिक्विड के कम होने की वजह से उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, और सॉलिड के क्योंकि मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जिस भी टेम्परेचर पर ये दोनों चीजें, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इक्वल हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में होता है। ठीक है, जितना लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उस टेम्परेचर पर, इसलिए वो जो टेम्परेचर है वो उसकी सिग्निफिकेंस है, इसलिए उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, उसको नाम दिया हुआ है कुछ। ठीक है, क्योंकि और इसके फर्दर बिलो लेके जाओगे तो पानी जमता ही जाएगा, जमता ही जाएगा, मतलब आइस और आइस पत्थर होती जाएगी, एंटार्क्टिक में और ज्यादा टेम्परेचर लोअर हो जाता है, लेकिन उनका अपन कुछ नाम नहीं देते। ठीक है, फिर जैसे कि एज अब हम एक सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, एक सोल्यूशन में अगर हम एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते ही सबसे पहला फिनोमेना जो होता है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो इसका मतलब जो पीएल है, जो पीएल नॉट था, पीएल जो है वो पीएल नॉट से कम हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो उसका वेपर प्रेशर पहले ही जो कम हो चुका है, ठीक है,
अब उसको पीएस के पास जाने में और लोअर टेम्परेचर लगेगा। सॉल्यूट ने प्रेशर जो है लिक्विड का वो ऑलरेडी कम कर दिया है, ठीक है। इस करके जो पीएल है वो पीएल नॉट से ऑलरेडी कम हो चुका है। अब उसको और नीचे जाना पड़ेगा, किसके लिए? फ्रीजिंग पॉइंट तक जाने के लिए, या तो फिर अपने सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर पर जाने के लिए, ठीक है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ये सो फार इट्स क्लियर कि फ्रीजिंग पॉइंट कब होगी? जब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल इक्वेट कर जाएगा सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को, ठीक है। अब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के डालने से लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर देखते हैं। जैसे ही मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दूंगा सॉल्यूशन में, लिक्विड स्टेट की जो वेपर प्रेशर कम हो गया, नाउ इट हैज टू, उसको फ्रीज होने के लिए इट हैज टू बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सॉलिड स्टेट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट बनना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फ्रीज, क्योंकि इवेंचुअली उसने सॉलिड बनना है। सॉलिड स्टेट में जो उसके ऊपर वेपर प्रेशर है वो बनने में अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज जो उसकी वैल्यू है वो पीएल नॉट से कम हो गई है। सॉल्यूशन में पीएल पीएल नॉट से कम है, तो अब उसको और ज्यादा लोअर टेम्परेचर लगेगा इन ऑर्डर टू गेट फ्रीज, ठीक है। इन ऑर्डर टू फ्रीज पीएल को ज्यादा टेम्परेचर कम लगेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ वुड बी टी एफ नॉट, मतलब प्योर स्टेट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अब ये वाला टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ये वाला टेम्परेचर लोअर रहेगा, डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, तो दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका ग्राफ देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से बात क्लियर होगी। यहां पर वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर मांगते हैं, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर मांगते हैं। ये लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है, वेरिएशन विद लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर टू द वेपर प्रेशर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं वेपर प्रेशर कम हो रहा है, और ये सॉलिड सॉल्वेंट का है, इसका इस डायरेक्शन में देखिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। हमने क्या बात करी थी? फ्रीजिंग पॉइंट कब आएगा? जब सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब क्योंकि सॉल्यूशन डाल देने से लिक्विड फेज का जो पेपर प्रेशर है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन जो सॉलिड स्टेट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लिक्विड स्टेट का सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाने के कारण अब टेम्परेचर घट रहा है, उसको ये वाले ग्राफ के साथ कट करने में अब और डिस्टेंस आगे आना पड़ा, ये डिस्टेंस आना पड़ा, इसको ही हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन टी एफ, ठीक है। दिस इज द डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, सेम इन द केस ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो डेल्टा टी एफ के प्रोपोर्शनलिटी की जगह आ जाएगा के एफ। के एफ इज नोन एज डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसका हम फर्दर इसको इलाबोरेट करेंगे, एक्सपैंड करके लिखेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, के एफ टाइम्स डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट टाइम्स 1000 अपॉन वेट ऑफ, ये डब्ल्यू टू नहीं रहेगा, आई एम सॉरी, वेट 1 रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, इसका क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 45 ग्राम्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम्स ऑफ वाटर। कैलकुलेट फर्स्ट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, दैट इज डेल्टा टी एफ, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो हमको वैल्यूज यहाँ पर चाहिए होती हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइडेड होंगी पेपर में, वो के एफ एंड टी एफ नॉट, मतलब
केएफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और टीएफ नॉट मतलब प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया हुआ है एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, इसका वेट दिया हुआ W2 45 ग्राम्स। अगर आप W2 और W1M2 ये फॉर्म में लिख लोगे तो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय कोई गलती नहीं होगी कभी, ठीक है। W2 दिया हुआ है एथिलीन ग्लाइकोल का वेट, M2 हमको पता है मोलर मास, 12 टाइम्स 2 प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस 16 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 62 ग्राम्स। और H2O है हमारा सॉल्वेंट, W1 दिया हुआ है 600 ग्राम्स ऑफ वाटर, उसका मोलर मास है 18, ठीक है, 2 प्लस 16। हमको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो वो क्या होता है क्रायोस्कोपिक टाइम्स मोलैलिटी, मोलैलिटी के लिए W2 अपॉन M2 टाइम्स 1000 अपॉन वेट इन ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो 1.86 टाइम्स 45 अपॉन 62 टाइम्स 1000 अपॉन 600, दिस विल गिव यू 2.2 केल्विन। इसका मतलब 2.2 केल्विन से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है, फर्दर नीचे आ गया है, मतलब अब और कम टेम्परेचर पर पानी फ्रीज होगा, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ न्यू फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू प्योर प्योर फॉर्म में उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन फॉर्म में। तो हमको ये पता है कि प्योर फॉर्म में कितना है, दिया हुआ है 273.15, ठीक है, माइनस 2.2, दिस विल गिव अस 270.95 केल्विन, ठीक है, दिस इज द न्यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने सॉल्व करके प्रूव कर दिया। दिस फिनिशेस आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। टुडे वी स्टडीड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड वी ऑल्सो सॉ टू न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग देम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब बचता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, एंड इसका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है वाटर प्योरिफिकेशन में, जो अपने घर में आर ओ लगा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस वाला, ठीक है, तो दैट वील सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड आप सिट बैक रिलैक्स, घर पर ही रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने आसपास गरीब लोगों की जानवरों की सहायता कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत कीजिए, ताकि आपको और भी सब्जेक्ट्स पर आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। टिल देन स्टे बैक रिलैक्स एंड एंजॉय स्टडीज विद MS क्लासेस। दिस इज मी साइनिंग ऑफ, गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।